मैं क्या नाम बताया था? राजपाल, राज, राजपाल सिंह। हाँ राजपाल सिंह जी आ गए हैं। और अंकल जी कहाँ कहाँ जाते हैं बिरादरी में? बिरादरी में जैसे उठरावली है, जैसे पचोगरा है, चांदपुर है, हाजीपुर भी चले जाते हैं हम, मेहमतपुर ये तो पश्चिमी भी चले तरफ जाते जितने हैं। भी गांव हैं, ये सब बिरादर के गांव है, और पास के जितने भी। तो यहाँ कौन कौन सी गोत के लोग रहते हैं? गोद के का है यहाँ तो सभी गोद के हैं। सभी गोत के, हाँ जी, अलग अलग गोत के सारे। अलग अलग गोद, अच्छा, सब मिल मिल के रहते हैं, सब मिलकर, परिवार की तरह रहते हैं। कोई टेंशन नहीं कैसी भी। और बिरादरी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बिरादरी हमारी गई तो? बिरादरी ऊंची होनी चाहिए, और कहाँ बिल्कुल, बुरे काम से बचो, बढ़िया काम करो। तो आप सब जगह गए होंगे, आसपास में कहीं कहीं देखा होगा बिरादरी अभी भी सीखनी है, जाति कुछ जगह सही है, कुछ जगह गिर रही है, गिर रही सब तरह की। अपनी नजरों से, गिर रही हाँ, ये दूसरों की नजरों से। अपनी नजर से गिर रही है, दूसरी की नजर से तो जब गिरेगी पहले अपनी से गिरेगी ना। सही बात, पहले गिर अपनी से जाएगी तो फिर वो गिरेगी अपनी से भी गिर जाएगी, दूसरे की से भी गिर तो जाएगी। गिरेगी, जब अपनी से गिरेगी तो दूसरे की जब गिर जाएगी। राज सिंह जी देखते हैं ये कौन सा भगत आ गया ये। अपनी सवाल तो बड़ा जोरदार था मेरा, किसकी नजर से गिर रहे हैं? अपनी ही नजरों से गिर रहे हैं। सही अगर बात है। हम बुरा नहीं करेंगे किसी का, हाँ तो कोई हमारे लिए कोई कह नहीं सकता है। सही बात है। तो देखिए ये भी कितनी अच्छी बात है कि इस ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, इस छोटे से गांव में, कौन सा गांव है ये? ये तो एक नंगला है, नंगला, नंगला, पचोगरो नंगला। इधर, पचोगरो इंगे नंगला। ये हाँ रबुपरा के हैं आप? हम तो आप रबुपरा के रबुपरा हैं। के। तो देखो कितना यहाँ से जागृति का संदेश दिया जा रहा है, कितना आग्रह किया जा रहा है। अरे पहले अपने आप को सबल हो जाओ, अपने आप को पहचान तो लो मैं कौन हूँ। सही बात। गिरो तो अपनी नजरों से मत गिरो। हाँ, अपनी नजरों से गिरना मतलब दूसरों की नजरों से गिरना। जब आपके और हमारे, आपके और हमारे ताल्लुकात सही रहेंगे बिल्कुल, और व्यवहार सही रहेगा तो आगे कदम बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिल्कुल और बढ़ेगा। जब हमारे व्यवहार सही नहीं रहेंगे तो कदम कौन बढ़ाने देगा आगे? सही बात है। किसी भी गलत, किसी भी कास्ट का सही, कोई भी भाई कास्ट गलत का गलत सही, ये आदमी के नहीं कि साथ साथ अपनी में कौन कास्ट व्यवहार का रखना हो। चाहेगा? सही बात। मान ली अगर मैं 3 भाई हूँ और मैं शराब पी के पड़ा रहा हूँ, या मैं काम धंधे ना करूँ, मैं चोरी में लिप्त हो जाऊँ, तो मेरा भाई मुझसे दामन छुड़ा लेगा, सही बात। ये फिर क्या हमारे बताएगा तीन जो मैं लड़के सुन हैं, रही है? दो तो ही हैं, एक घर है, एक तो सचिन हो गए भैया, हाँ हो गए एक ही है नितिन, नितिन भैया, हो एक गए ही योगेश है। योगेश भैया। वो क्या करते हैं योगेश भैया? बीकॉम कर रहा है अभी, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। अच्छा फर्स्ट टीचर ईयर में करने लिया गया है। वो बड़ा है आपसे, है ना? नहीं, नहीं छोटा छोटा है है, आपसे भी इससे। छोटा है? हाँ, अरे वाह वाह। बोर्डो में कहाँ बच्चे को पढ़ाते हैं इतना, आपने कैसे पढ़ा लिया मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। है बोर्ड, अरे बोर्ड तो पैदा ही हुए काम करने के लिए, वही बोलते हैं क्या? मैं जहाँ जाता हूँ ना, अरे छोरी है तो रोटी बनाएगी, क्या करेगी, वही तो और है मानसिकता ना। बदलनी है। हाँ ये थोड़ा बताइए, हमारे समाज के लोग देख रहे हैं कि कैसे किया आपने, कैसे सोच बनी कि नहीं बच्चे पढ़ेंगे। भैया ऐसा है समाज में, जब हम अच्छी समाज में बैठते हैं, और अभी तो ये तो ठीक है आपने, मैं तो कैसे सेंड करो भगवान जाने, बड़ा हो गया है। अरे सुनो, जब हम शादी? अच्छी समाज में बैठते हैं हाँ तो बच्चे को भी अच्छी शिक्षा देते हैं हम। हाँ भैया गलत जगह मत बैठो, बढ़िया जगह बैठो, बड़े जगह बैठो, जहाँ आवाज होती है वहां जाओ, जहाँ आवाज नहीं है बिल्कुल मत जाओ। सही बात। वास्तव में आपने बहुत सत्य बात की, लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, हमारा समाज उधर देखो, इतना बड़ा बच्चे को तो कहते हैं जवान हो गया, अब वो लड़का भी मना कर रहा है अभी शादी कैसे और करूँ आपने ना, देखो ये तो अभी करेगा इना ना करनी इसकी वो शादी अभी। सचिन भैया, सचिन भैया के इन उम्र में तो तीन तीन चार चार पोते पोती के बाद हाँ, हो तो जाएगा, है कुछ नहीं। नहीं, हमारे यहाँ नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश होते में हैं नहीं हमारे होते। वहाँ हमारे ये यहाँ क्या नहीं करेंगे होता, इनके यहाँ ना बाल विवाह कर देते हैं। हमारे यहाँ यानी नहीं कि आप होते। अगर 18 महीने की बच्ची की शादी, बताओ जो 18 महीने की बच्ची शादी करने के बाद में, आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? बिल्कुल बाल बिल्कुल विवाह तो होने ही नहीं चाहिए, कल को वो बिल्कुल लड़का अपंग हो जाए, कल वो लड़का एक्सीडेंट हो जाए, कल वो लड़का क्या हो जाए। सबसे पहले अगर किसी भी समाज का अवलोकन करना है, किसी भी समाज की तुलना करनी है, तो उसकी महिलाओं को देख लो। एक पढ़ी लिखी बेटी, वो खाली एक घर के लिए नहीं पढ़ती है, वो दो दो घर को संभालती है, और वो बेटी का पढ़ना बहुत अनिवार्य है। आप अगर उसकी 15 साल की शादी में उम्र में शादी कर दोगे, 16 साल की उम्र में शादी कर दोगे, तो वो क्या क्या जिंदगी जी पाई वो? हमारे वहां तो कहते हैं बेटी तो रोटी बनाने के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं। बेटियों का काम तो खाली रोटी बनाओ। अब देखो, जेंट्स से ज्यादा लेडीज पढ़ रही हैं। सही बात। और
बेटी को तो पढ़ाना भी जरूर है। अरे सुनो और बिरादरी के लोगों सुनो, कान खोल के सुनो, क्या कह रहे हैं, बेटियों को पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ानी जरूर है, इसीलिए गांव गांव जा रहे हैं, इनके अच्छे अच्छे विचार है। कितने अच्छा बताया राज सिंह जी ने, एक नज़र में बता दिया कि बच्चे को देखो आपके प्रेरणा के स्रोत है। बच्चा एक बच्चे सामने है, वो देखो सचिन भैया जो, वो देखो खेती भी करते हैं पढ़ाई भी करते हैं, दूसरा बच्चा भी काम कर रहा है, एक किसान परिवारों अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। आप लखपति करोड़पति है, सारे प्रचंड आपके पास है, सामर्थ्य आपके पास है, फिर भी बच्चों को नहीं पढ़ाते, लो बोलो सब सुधरेंगे। समाज में से यही कुरूतियां तो दूर करनी है। क्यों राशि कब कब सुधरेंगे, जब अकाल आ गई अब सुधर जाएंगे। मेरे को तो लग रहा 100 साल और लगेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, जब परिवर्तन आता है ना साहब, तो एक झटके में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हर रोज भगत सिंह पैदा हुए, वो जिस दिन हुआ उसी दिन से उसने परिवर्तन शुरू कर दिया था, और 23 साल की उम्र में वो परिवर्तन करके चला गया। समझ रहे हैं आप, तो परिवर्तन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं नहीं कर रहा बच्चा पढ़ेगा, बस यहाँ सोचना पड़ेगा। हाँ भाई करना है, सही बात। ऐसा होता ना जैसे किसी भैंस को बच्चा हुआ, कितना भैंस के बल को तो समझ सकते हो कितना उसमें, ठीक है, उसको बछड़ा हुआ उसको बांध देते घूंटे से, खूंटे से बांध दिया उसे, तो उसके क्या मन में हो जाएगा कि हम कभी खूंटा नहीं तोड़ सकते, और उसमें इतना बल होता है वो ऐसे 4 खूंटों को तोड़ देता है। लेकिन उसकी मानसिकता बन गई, मानसिकता बन गई उसकी, तो वो कभी नहीं तोड़ सकता उसको। फिर तुम उस बहस को एक कुर्सी से बांध दोगे ना, वो बंधा रहेगा, तो बंधा रहेगा। वही हमारे इसमें चल रहा समाज में, बच्चे को यहाँ कर दो बस, तुम कुछ नहीं कर सकते, खेती करो और ब्याह करो, शुरू से बता दो तुम नहीं कर पाओगे। वो अपनी सोच है वो बदलो। देखो युवा क्या सोचता, देखा कितनी अच्छी सोच युवा रखता है, वास्तव में दिल में दर्द है, इसीलिए कहता दिल में दर्द है, अपने समाज को लेकर दर्द है, वास्तव में समाज सबल नहीं है, समाज कुरूतियों में झगड़ा हुआ है। इतने बड़े बड़े बच्चे देखिए आप, इतनी उम्र में, कितनी उम्र में शादी कराते हैं वैसे यहाँ हमारे यहाँ, कम से कम 20 साल से तो ऊपर ही एज होनी चाहिए, 20 साल से 24 की, देखो लो बोलो। अरे भाई जहाँ जहाँ व्यवस्था खराब हो रही है, चरमराई व्यवस्था को ठीक कीजिए, आइए सब मिलके अपने बच्चों का जीवन को सुधारते हैं, इनको बेहतर शिक्षा देते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई ने आज नर्सिंग की है, मैं तो कहता हूँ MBBS भी करें, है ना, और डॉक्टर बन के हमारे समाज का सपना पूरा करें, क्योंकि हमारे समाज में डॉक्टर की बहुत कमी है। और देखो वो काम के साथ पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बहाना बना के बैठ जाए मेरे पास तो काम ज्यादा, तो क्यों पढ़ूं। सही बात, वो ड्यूटी करता है, खेत में भाई का हाथ बटाता है, पिता का हाथ बटाता है, और उसके बाद वो पढ़ाई के लिए हिम्मत कर रहा है। देखो कितनी बड़ी बात, सही बात। अरविंद सिंह जी आपका साथ आज पाया है तो धन्य हो गया वास्तव में, और काफी चीजें यहाँ सीखी आपने, छोटे छोटे गांव में विजिट भी कराया है, छोटे छोटे गांव में आपने बच्चों से मिला है, हमारे बुजुर्ग जो पिता तुल्य उनसे मिलाया है, दादा तुल्य से मिलाया है। मुझे लगता है कि ये आपका जो संदेश है ना, ये वास्तव में हमारे लोग सुन रहे होंगे, और नहीं सुना होगा तो एक बार और सुन लेंगे, तो मुझे लग रहा है उनके कान ठीक हो जाएंगे। हाँ शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट, शिक्षा दुनिया में अगर कुछ ये है ना तो शिक्षा है। संपत्ति एक दिन बढ़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, जमीन नहीं बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो शिक्षा एक आदमी को, शिक्षा जो है इसमें ऐसा होता है कि कोई भी इसको बांट नहीं सकता, सब चीज बढ़ जाती है। अच्छा आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम तो कुछ भी ना, थोड़े से। लो बोलो, आप पढ़े लिखे नहीं है, और आपकी मम्मी? मम्मी भी नहीं है, वो भी नहीं है, मैं तो 8वीं हूँ। खैर फिर भी आपने 8वीं होते हुए भी अपने बच्चों को शिक्षित बना दिया, वही है ना, जरूरी थोड़ी ना कि अगर मेरे बुजुर्ग अनपढ़ है तो मैं अनपढ़ रह जाऊँ भाई, क्यों? सही बात, लड़की हमारी लड़की छोटी वाली घर है, उसने 12वीं करी है। अच्छा आप तो बहुत नसीब वाले हैं, आपने 8वीं पढ़ा है, मैं तो 3री पढ़ा हूँ, ये खड़े सामने पूछ रहे हैं, मैं तो सिर्फ 3री क्लास का विद्यार्थी हूँ। शुरू से ही हम खेती में काम करा हमने, शुरू से ही एक ऐसे ट्रैक्टर चोरी से लगा हमारा, ऐसा ही होल्डिंग और अभी दूसरा लाइन निकाल के नया, दूसरा नया लाइन निकाल के, बहुत बढ़िया। देखो शादी भी करी एक लड़की की हमने, बड़ी वाली की, देखो संघर्ष करना ही पड़ता है, और संघर्ष वास्तव में आप लोग कर रहे हैं, और बहुत लंबे समय से। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, मेरे को ये अच्छा लगा कि बच्चों को शिक्षा, और बच्चे भी खुद आगे हाथ बटा रहे, बढ़ रहे हैं, स्वयं अपने हाथों से देखो ट्रैक्टर चलाते हुए, ठीक करते हुए, मिस्त्री भी आ रहे हैं। अरे वाह वाह, मज़ा आ गया।
तो सचिन भैया क्या कहना चाहेंगे अपनी बिरादरी को? यार क्या बिरादरी है यार, ये समझ में नहीं आता है। बिरादरी का नाम दोबारा है सारा का सारा, ये नहीं है मतलब कि बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अरे मैं क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे गांव में जाता हूँ, महिलाएं गुटखा खाती है जी, तंबाकू खाती है। अरे गलत सरासर गलत चीज है सारी सारी, ये युवा आगे बढ़ने की जगह नशेड़ी बन रहे जी, पाउडर पी रहे। हाँ जी, पहले हमारे तो थोड़े भांग तक सीमित थे, अब भांग से ऊपर उठे तंबाकू और क्या बोलते हैं उसको, गांजा गर्म है? हाँ, ये उल्टी ड्रग हीरोइन। अरे बाप रे बाप, ये सारी हमारे बच्चे बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीते, हम तो पीते हैं। लो बोलो, फिर भी बच्चे नहीं पीते। हाँ बच्चे पी नहीं सकते, हाथ में भी नहीं ले सकते। लो बोलो, अरे दुष्टो जागो जागो, और समाज के लोगो क्षत्रिय वंशी हो, ये देखो भोजन कुछ भी खा लें, दाल रोटी बढ़िया खाते हैं, टाइम से मिल जा खाना। इतना बड़ा समाज है हमारा, इतना बड़ा समाज है हमारा, लेकिन नशेड़ियों से थोड़ा नशे को छोड़ के आगे आओ तो ठीक रहेगा, प्रेरणा लो। और बीड़ी भी कोई बड़ी चीज नहीं, बीड़ी नहीं, बीड़ी, तो, बीड़ी एक आयुर्वेदिक चीज है, अगर ऐसी पंच के लिए होती है। अरे एक बीड़ी पियो तो सेहत को ठीक कर देगी, और पूरा बंडल पियो तो सेहत बिगाड़ देगी, दोनों ही बात है। कोई भी चीज बुरी नहीं इस धरती पे, कोई चीज नहीं। मैं तो न शेर को बुरा मानता हूँ, न चीते को बुरा मानता हूँ, सब अपने अपना काम करते हैं। हमारी माँ जो है नहीं है वो तो पाप की, और ये है धरती माता धर्म। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे जब बच्चा आता पैदा होकर यही संभालती है। बहुत अच्छा लगा राज सिंह जी से मिलके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है, और आपने जो दिया है मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे समाज के लोग जरूर सुना होगा, जरूर देखा होगा, और उन्होंने बिल्कुल इस बातों को ग्रहण किया होगा। और मैं भी कहता हूँ कि सच्चे वास्तव में ओर है, वास्तव में अपने आप को राजपूत और क्षत्रिय समाज क्षत्रिय बन के दिखाइए, वरना ये मैं तो शत्रु समझता हूँ आपस में। हाँ तो सचिन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सचिन भैया का ट्रैक्टर देखा कितना सजा रखा, जबरदस्त एकदम टक टकाटक है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भैया, उदयपुर आइए, वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद।